हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था एग्रोनॉमी में फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण में सामान्य नाम फसल का, उसका वैज्ञानिक नाम, कुल और उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान कुछ एक फसलों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब आगे है अपना मटर, जो अपनी लेग्यूमिनेसी कुल की फसल थी उसमें एक मटर रह गया था। मटर जिसका नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, और कुल क्या है उसका, कुल है लेग्यूमिनेसी, कुल लेग्यूमिनेसी, और इसका उत्पत्ति स्थान है इथोपिया, इथोपिया या भारत। क्या इसका उत्पत्ति स्थान है इथोपिया, इथोपिया या भारत। इसमें जो गुणसूत्र संख्या वह कितनी होती है, 14। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 14। तो मटर लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, पाइसम सेटाइवम इथोपिया, और डिब्बाबंदी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त फसल है मटर का। मटर की जो सब्जी है, सब्जियों के अंदर मटर की सब्जी को सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है कैनिंग में। आगे आते हैं अपनी तेल वाली फसलें, जैसे कि तिल। तिल इसे सीसम बोलते हैं, इसका नाम है सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिकम। इसका जो कुल है वो है पेडिलिएसी, इसका कुल अलग ही है, इसका कुल कौन सा है, पेडिलिएसी, और इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान कौन सा इसका, अफ्रीका, और इसमें जो गुणसूत्र संख्या है 21 कितने हैं, 26। तिल सीसेमम इंडिकम इसका वैज्ञानिक नाम, पेडिलिएसी इसका कुल है, और उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, और गुणसूत्र संख्या है 26 26। अब आगे आता है सरसों, ब्रेसिका सरसों, सामान्य नाम क्या है इसका, सरसों जिसे मस्टर्ड बोलते हैं, और इसका नाम है ब्रेसिका जूनसिया, ब्रेसिका जूनसिया, और कुल है कुर्सी फेरी। कुल कौन सा इसका, कुर्सी फेरी या ब्रेसिकेसी, ब्रेसी कैसे, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह चीन। उत्पत्ति स्थान कौन सा इसका, चीन, और इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 20। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 20। सरसों ब्रेसिका जूनसिया कुर्सी पेरिया ब्रेसी कैसी, और चीन इसका उत्पत्ति स्थान है, और इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है, 20 है। आगे मूंगफली, मूंगफली ग्राउंड नट जिसे बोलते हैं, मूंगफली ग्राउंड नट, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, इसका कुल है लेग्यूमिनेसी, कुल कौन सा इसका, लेग्यूमिनेसी, और उत्पत्ति स्थान इसका ब्राजील, उत्पत्ति स्थान ब्राजील, 2N, गुणसूत्र संख्या 40। अरेकिस हाइपोजिया लेग्यूमिनेसी कुल, और ब्राजील इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। मूंगफली जिसे ग्राउंड नट बोलते हैं। आ गया था सोयाबीन, सोयाबीन तेल वाली फसल है, सोयाबीन इसका नाम है ग्लाइसिन मैक्स,
ग्लाइसिन मैक्स लेग्यूमिनेसी कुल, और उत्ती स्थान है चीन। देखो MTS मस्टर्ड टी सोयाबीन, इनका उत्ती स्थान क्या है? चीन। मस्टर्ड यानी सरसों, टी चाय, और सोयाबीन सोयाबीन की फसल दाल वाली, जो इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इनका उत्ती स्थान कौन सा है? चीन। आगे आता अपना सूरजमुखी, हेलियंथस एनस। सूरजमुखी का नाम क्या है? हेलियंथस एनस। इसका जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी का जो कुल है वह कौन सा है? वो भी क्या है? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तीनों का कुल क्या है? एक ही है। मध्य अमेरिका, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मध्य अमेरिका, उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका। आ गया था आपका कुसुम, इसमें जो गुणसूत्र संख्या है वह कितनी होती है? 34। सूरजमुखी में तो गुणसूत्र संख्या वह कितनी होती है? 34। और मूंगफली और सोयाबीन में 40-40। अगली जो फसल अपनी है कुसुम, इसका नाम है कार्थेमस टिक्टोरियस। कार्थेमस टिक्टोरियस कंपोजिटी कुल, कौन सा कुल है? कंपोजिटी कुल है कार्थेमस टिक्टोरियस, और कंपोजिटिस का कुल है 2N, इसमें कितने होते हैं? 24। और उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? एबिसिनिया या एसबिनिया। ठीक है, अगली जो अपनी फसल है वह रेशे वाली फसलें हैं। रेशे वाली फसलों में जैसे कि कपास, रेशे वाली फसलों में अपना कपास, कपास दो प्रकार से हैं, देसी कपास और अमेरिकन कपास, इसलिए इसकी स्पीसीज अलग अलग होती है। इसका नाम है गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज मालवेसी कुल, मालवेसी कुल है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह क्या है? भारत। मालवेसी कुल, उत्पत्ति स्थान भारत। इसमें जो गुणसूत्र है वह देसी में कितना होता है? 26, और अमेरिकन कपास में, अमेरिकन कपास में होता है कितना? 52 गुणसूत्र संख्या। इनको उतार लेना, नोट करते जाना कॉपी में। अगली जो रेशे वाली फसल है वह है सनई। कौन सी फसल है? सनई, रेशे वाली फसल जो है, इसका क्या नाम है? क्रोटोलेरिया जूनसिया, क्रोटोलेरिया जूनसिया। लेग्यूमिनेसी भारत, कुल कौन सा इसका? लेग्यूमिनेसी और उत्पत्ति स्थान है भारत। 2N बराबर कितने हैं? 16। 2N कितने होते हैं इसमें? 16। आ गया था अलसी, अलसी लाइनम, इसे लिनसीड बोलते हैं, इसलिए लाइनम यूसी टेटी सीमम। क्या नाम है इसका? लाइनम यूसी टेटी सीमम। लाइनेसी कुल, कौन सा कुल है इसका? लाइनेसी कुल है,
अफगानिस्तान। उत्पत्ति स्थान कौन सा इसका? अफगानिस्तान। और इसमें जो गुणसूत्र संख्या वह कितनी होती है? 30। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 30। आगे आती है अपनी आलू। आलू का क्या नाम है? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनेसी कुल। और अमेरिका क्या इसका उत्पत्ति स्थान है? कुल कौन सा है? सोलेनेसी। और अमेरिका या पेरू इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। इसमें 2N बराबर होते हैं 48। कितने होते हैं? 48। ये नकदी फसल है, जैसे कि नकदी फसल और अपनी नकदी फसल है। देखो निकोटियाना जैसे तंबाकू, निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना टेबेकम। कुल कौन सा इसका भी? सोलेनेसी। कुल कौन सा है? सोलेनेसी। मध्य अमेरिका क्या इसका उत्पत्ति स्थान है। इसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 48। तंबाकू भी क्या है? नकदी फसल में आती है। आगे आती है अपनी बरसीम। बरसीम चारे वाली फसल है। बरसीम ट्राइफोलियम। बरसीम का नाम भाई ट्राई करने से याद होगा। ट्राइफोलियम अलेख जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम अलेख जेंड्रिनम लेग्यूमिनेसी। कुल कौन सा इसका? लेग्यूमिनेसी कुल है। और मध्य एशिया माइनर कौन सा है? एशिया माइनर उत्पत्ति स्थान। एशिया माइनर या फिर क्या आ जाएगा? मिस्र या फिर मिस्र। रिंज का मेडिगेगो सेटाइवा। रिंज का मेडिगेगो सेटाइवा। ये कौन सी फसल है? चारे वाली फसल है। कौन सी फसल है? ये चारे वाली फसल है। अब चारे वाली फसल है, कुल कौन सा इसका भी? लेग्यूमिनेसी कुल है। कुल लेग्यूमिनेसी। और उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? ईरान। उत्पत्ति स्थान है ईरान। अब आती है आपकी मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें जैसे कि मेथी, मेथी ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। छोटा सा नाम है ये ग्रेइकम, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। लेग्यूमिनेसी कुल भारत। कुल कौन सा इसका? लेग्यूमिनेसी। और उत्पत्ति स्थान भारत। मेथी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भारत। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 16। इसमें कितनी होती है? 32। आ गया था अपना जीरा। जीरा क्यूमिन इसका नाम है। क्यूमिनम
साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम, जीरे का क्या नाम है क्यूमिनम साइमिनम, अम्बेली फेरी कुल कौन सा है अम्बेली फेरी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र उत्पत्ति स्थान, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 14। आ गया था अपना धनिया, धनिया भी मसाले के रूप में काम में लिया जाता है, कोरिएंडर जिसे बोलते हैं, कोरिएंडरम सैटिवम। अम्बेली फेरी कुल का कुल की फसल है ये, अम्बेली फेरी कुल की फसल है। इसका उत्पत्ति स्थान है मेडिटेरियन क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र। इसमें गुणसूत्र संख्या 22, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 22। अब आता अपना अगली फसल आती है सौंफ, सौंफ का वैज्ञानिक नाम है फोनिकुलम वल्गेयर, फोनिकुलम वल्गेयर, सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या है फोनिकुलम वल्गेयर। उत्पत्ति स्थान कुल क्या है अम्बेली फेरी, उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन क्षेत्र, उत्पत्ति स्थान क्या है मेडिटेरियन क्षेत्र। 22, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है इसमें भी 22 होती है। ये जो अपनी एग्रोनॉमी जो क्रॉप्स है फसलें हैं, जो फसलें अपने सिलेबस में हैं उनका अपन ने सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल, उत्पत्ति स्थान और गुणसूत्र संख्या। अब इनका एक एक फसल का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिनमें जलवायु है, मृदा है, इसकी किस्में कौन कौन सी है, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, उनका कंट्रोल कैसे करते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।